ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है कथा सम्राट प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी पर आधारित नाटक बड़े घर की बेटी। नाट्य रूपांतर केसी वर्मा और विनोद कुमार ने किया है। प्रस्तुति सहयोग नितिन कुमार का है और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो आइए सुनते हैं ये नाटक बड़े घर की बेटी। नमस्कार नमस्कार, कर भला तो हो भला, श्रीकंठ बाबू को सफू साहू की राम राम। राम राम साहू जी, आओ आओ बैठो। कब आए भैया? अरे कल रात ही आया हूँ। और आते ही अपने प्रिय काम में लग गए। कर भला तो हो भला, दवाइयां घोटने के काम में। ये क्या है? अरे कुछ नहीं साहू जी, जरा अभ्रक की भस्म तैयार कर रहा हूँ। बैठो बैठो। आप भी ना विचित्र हैं श्रीकंठ बाबू, बीए पास करके भी आपको यही करना है, हैं? लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं बीए करके, कर भला तो हो भला। क्यों, इसमें क्या बुराई है साहू जी? हैं? अपने यहाँ तो ऐसी लाखों औषधियां पड़ी हुई हैं कि आदमी एक बार खा ले तो जिंदगी भर उसके पास बीमारी ना फटके। अच्छा? पर अब इस अंग्रेजी जमाने में मानता कौन है। हाँ हाँ हाँ, बात तो ठीक ही कह रहे हैं श्रीकंठ बाबू, जिसको देखो वही भागा जा रहा है अंग्रेजी दवाई के पीछे। हैं? पता नहीं ये अंग्रेजी दवाई दवाई है भी कि नहीं। हैं? अरे कुछ तो कहते हैं वो सब जहर है, जहर जिसको सब अमृत समझकर गटके जा रहे हैं। हाँ? बुरा हो इन अंग्रेजी दवाइयों का, कर भला तो हो भला। आप में यही सबसे बढ़िया गुण है कि पढ़ लिख कर भी अंग्रेजी बूबास नहीं आई, नहीं तो कोई और लड़का होता तो खेला हो चुका होता। हाँ, खरे तीन ड्योढ़ी लांग कर अंदर आई नहीं कि बस पूछिए मत, दूसरे ही दिन से दूसरा चूल्हा जलने की नौबत आ जाती है महाराज। अरे नहीं नहीं साहू जी, देखिए बात यह है कि मैं तो पढ़ने लिखने के बाद यही समझा कि अपना कुटुंब छोड़ना ठीक नहीं है। वाह, देखो सबके साथ मिलकर रहने में जो बात होती है, जीवन में जो संयम आता है, वो अकेले रहने में कहा। बहुत सुंदर। पहले ही दिन से तुम्हारी बहू को मैंने ये अच्छी तरह समझा दिया था कि देखो बड़े घर की हो तो हो, पर मेरे घर में दूसरे ही ढंग से रहना होगा। हाँ, अब ठाकुर भूप सिंह की बेटी हो तो हो, यहां हमारे घर की बहू हो, यहां तो यहीं के कायदे चलेंगे। ठाकुर भूप सिंह? हाँ हाँ श्रीकंठ बाबू, आपने भी सही याद दिलाया भाई, ठाकुर भूप सिंह का नाम किसने नहीं सुना है। अरे हम लोग तो बारात हो आए हैं। आह क्या शान शौकत है आपके ससुर जी की, हैं? क्या रुतबा है, कर भला तो हो भला। हाँ हाँ वो तो है साहू जी, ठीक है, पूरे इलाके में उनको सब पहचानते हैं। अब शान शौकत तो सब ठीक है, पर जब उन्होंने अपने घर की बेटी हमें दे दी तो उस बेटी को उसी तरह रहना होगा ना जिस तरह हम रखें। क्यों नहीं हैं श्रीकंठ बाबू, सारा गांव इसी सब के कारण तो आपकी जितनी इज्जत करता है उतनी किसी दूसरे की नहीं करता। कर भला तो हो भला। हैं? अरे खुद बड़े ठाकुर बेनी माधव सिंह जी आपकी कितनी सुनते हैं बताइए तो जरा। पर श्रीकंठ बाबू, जब से आपने शहर में नौकरी कर ली, हम गांव वालों को तो आपका दर्शन दुर्लभ हो गया है, कर भला तो हो भला। क्या करूं साहू जी, अब आपकी तरह हमारा कोई कारोबार तो है नहीं, यहाँ शहर जाकर नौकरी करनी पड़ती है, पर हर शनिवार को आ तो जाता हूँ। हाँ? आज इतवार रहकर कल सुबह फिर लौट जाऊंगा,
पर श्रीकंठ भैया, बिना आपके रामलीला, अरे उसकी भी तो सोचिए। क्यों, रामलीला को क्या हुआ? रामलीला जरूर होगी, भला बताइए, एक ही तो है हमारा ऐसा त्योहार, उसको भी छोड़ देंगे क्या? खूब जम कर करेंगे। स्वांग के लिए सब इंतजाम करवाइए साहू जी। अच्छा साहू जी, आपने तो इस बार एक बढ़िया नौटंकी भी बुलाने को कहा था ना? अरे सो तो सब होगा श्रीकंठ भैया, पर पैसे का प्रबंध भी तो होना चाहिए, कर भला तो हो भला, अरे खर्चे का तो सोचना ही पड़ेगा। अरे कुछ आप कीजिए, कुछ मैं कर दूंगा, सब हो जाएगा। अच्छा भैया चलते हैं, अब अगले इतवार को मिलेंगे। ये छोटे ठाकुर कहाँ हैं? कौन, लाल बिहारी? अरे वो यहीं कहीं दंड पेल रहा होगा, उसे तो दंड मुगदर से कभी छुट्टी मिलती ही नहीं। पता नहीं क्या करेगा इतनी कसरत करके। हाँ। बच्चा है अभी। अच्छा कर भला तो हो भला। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साहू जी। देखो आनंदी, तुम हो बड़े घर की बेटी, अब बड़े घर के रंग ढंग ही अलग होते हैं, लेकिन ये घर वैसा नहीं है। तुम्हें यहां तकलीफ हो सकती है, कई बार कुछ कमी भी हो सकती है, पर तुम अब इस घर की बहू हो, जो है यही है, अच्छा बुरा कम बेसी यही है, पसंद हो तो भी ना पसंद हो तो भी। अब यहां के तौर तरीके तो बदलने वाले हैं नहीं, देखो अपने घर जैसा माहौल तो कहीं और हो नहीं सकता, लाख जतन करो तो भी। इसलिए तैयार रहो, तुम्हें ये सब सहना चाहिए, यही तुम्हारा घर है और इसी को तुम्हें संवारना बनाना है। तो मैं कहां इनकार करती हूँ, मैं किसी के होने से परेशान भी नहीं होती, ना उसे करती हूँ। हाँ। अब आपके किसी भी कुटुंब के साथ मैं रह सकती हूँ यहाँ, पर सुनिए जी, अगर बात उल्टी सीधी ही सुनने को मिले ना, तो फिर साथ रहने से फायदा भी क्या? अरे कितने दिन कहेगा आनंदी, बच्चा है, 4 दिन कह लेने दो, कौन तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए यहीं बैठा रहेगा? अब देखो लाल बिहारी जरा तुनक मिजाज है, भड़भड़िया है, उद्धत स्वभाव का है, तुम्हारा देवर है, मान कितना करता है तुम्हारा, जानती नहीं हो क्या? अब कभी कुछ कह सुन दे तो बुरा नहीं मानना चाहिए। अच्छा अब मैं जा रहा हूं, अगले शनिवार को आऊंगा, और हाँ अगर नहीं आ सका तो खत भेजूंगा, तुम्हें सब हाल चाल लिखता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। भौजी, क्या बात है लल्ला जी? भौजी लो ये मैं शिकार करके लाया हूं, और वो भी दो दो, अब जरा इसे जल्दी से पका दो, बहुत भूख लगी है आज तो मुझे। लल्ला जी इसे उधर ही रख दो, अभी कर दूंगी। हाँ पूरा खाना कब का बन चुका है, अब फिर से इसे करना होगा। हाँ भौजी इसे जल्दी से पकाना, और जरा ठीक से मसाला वसाला भूजना भौजी, देखो कहीं ये मांस कच्चा ना रह जाए। हाँ हाँ। लाओ लाओ जल्दी से परस दो, बड़ी देर लगा दी तुमने भौजी। अरे अरे भौजी दाल में तो घी छोड़ा ही नहीं तुमने। लल्ला जी घी तो सब मांस भूनने और पकाने में लग गया, दाल के लिए बचा ही नहीं। बचा नहीं मतलब, अभी परसों ही तो घी आया था, इतनी जल्दी सब उठ गया? कुल पाव भर घी रहा होगा लल्ला जी, वो सब तो मैंने मांस में हाल दिया। बोल तो ऐसे रही हो भौजी जैसे पाव भर घी कम होता है।
मैके में तो तुम्हारे घी की नदी बहती होगी ना। हाथी मरा भी तो 9 लाख का होता है लल्ला जी, वहाँ इतना घी तो रोज नौकर चाकर खा जाते हैं। जी चाहता है जी पकड़ कर खींच लूं। इतना घमंड अपने बाप का, चोर आने की जमींदारी पर कोई राजा फौज नहीं बन जाता। बस करो लल्ला जी बस करो, अरे उनके सामने तो तुम्हारी ना आवाज तक नहीं निकलती। हाँ वो आज यहाँ होते ना तो तुम्हें मजा चखा देते। हाँ डरपोक कहेंगे। डरपोक? डरपोक किसको बोला? जिसके गुमान पर फूली हुई हो ना उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। डरपोक बोला मुझे। मुझे डरपोक बोला? अरे यहाँ मैं चार चार शिकार कर लेता हूँ, तुमने मुझे डरपोक बोला भाजी, क्या बता देना उनको। आ गए ठाकुर श्रीकंठ बाबू, कर भला तो हो भला। शायद अभी अभी आ रहे हैं शहर से? हाँ बस अभी अभी स्टेशन से ही आ रहा हूँ। अरे मेला था ना वहाँ। अच्छा? हाँ इतनी भीड़ थी सड़कों पर कि पूछो ही मत। भागते दौड़ते किसी तरह स्टैंड तक पहुँचा, बड़ी मुश्किल से आज गाड़ी मिली। और कहो साहू जी, रामलीला तो ठीक चल रही है ना? हाँ हाँ एकदम ठीक चल रही है। आज आना जरूर भैया, कर भला तो हो भला। अच्छा चलो। अच्छा अच्छा नमस्ते साहू जी। मैं पहुंच जाऊंगा वहां, नहा धोकर आता हूँ। अच्छा नमस्ते भैया। कहो लाल बिहारी। क्यों दादाजी आप लोग चुप क्यों हैं? अरे कोई बताएगा बात क्या हुई है या ऐसे ही मौन व्रत जारी रहेगा? लाल बिहारी। भैया भैया आप ना थोड़ा भौजी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बात किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। हाँ भाई मुझे भी बहु बेटियों का ये स्वभाव पसंद नहीं है श्रीकंठ, कि वो मर्दों के मुंह लगे। वो बड़े घर की बेटी हैं तो हैं, अरे हम भी कोई भिकमंगे थोड़े ना हैं। अरे आखिर बात क्या हुई लाल बिहारी, कुछ बताओगे? कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई, यूं ही अपने आप उलझ पड़ी। क्यों दादाजी? बेटा मैं क्या बोलूं, और भैया मैके के सामने तो हम लोगों को कुछ समझती नहीं है। अच्छा अच्छा मैं समझा दूंगा उसे, चल तू अब गुस्सा थूक, भीतर चल थाली पर बैठ कर बात करते हैं। ठीक है। आ गए आप, कब से इंतजार कर रही थी। चलो किसी तरह सनीचर का दिन तो आया। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को क्या हुआ, खूब बढ़िया है। नाचने का मन कर रहा है? नाचने का? मैं पूछता हूँ तुमने आजकल ये घर में क्या उपद्रव मचा रखा है मेरे पीछे? ओ, तो लपक लिया तुम्हें घुसते ही। जिसने तुमसे ये आग लगाई है ना, पा जाऊं तो उसका मुंह झुलस कर रख दूं। हाँ मैं पूछता हूँ इतना गर्म होने की बात क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। क्या कहूँ क्या कहूँ, मैं मेरे ही भाग्य का फेर है सारा। नहीं तो वो एक गवार छोकरा जिसे जिसे चपरासी तक बनने की तमीज नहीं, वो मुझे खड़ाऊ फेंक कर मारता। हाँ क्या खड़ाऊ फेंक कर मारा? सारी बात साफ साफ कहो आनंदी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है कि बात क्या हुई। जानते हैं परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। हांडी में पाव भर घी से अधिक नहीं था, तो वो सब मैंने मांस में डाल दिया। बस खाने बैठा तो फिर पूछा दाल में घी क्यों नहीं है, और बस इसी बात पर मुझे भला बुरा कहने लगा। मुझसे भी नहीं रहा गया, मैंने कहा वहां इतना घी तो नौकर खा जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता।
बस इतनी सी बात पर उस सन्यासी ने मुझे खड़ाऊ खींच कर मारा। हाथ से न रोका होता तो मेरा सिर ही खुल जाता। ये देखिए मेरी उंगली मुड़ता हो गई। सुनिए उसी से पूछ लीजिए मैंने जो भी कुछ कहा वो सब सच है या झूठ। तो बात यहाँ तक हो गई। लाल बिहारी की ये हिम्मत हो गई, अपनी फौजी पर खड़ाऊ चला दिया। बस 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 चुप हो जाओ आनंदी, चुप हो जाओ। मैं यहाँ नहीं हूं तो मेरी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे? सुबह इस बात का फैसला करके छोड़ूंगा। हो गया हो गया, बस अब और नहीं। सब्र की भी एक सीमा होती है। अब नहीं, नहीं सह सकता। अरे बस बस चुप करो आनंदी, चुप करो। दादाजी अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। क्यों बेटा, बात क्या है? बात यह है कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। क्या? जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वो उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहां मेरे पीछे मेरी स्त्री पर जूतों और खड़ाओं की बौछार होती है। कड़ी बात कह लेने की चिंता नहीं, कोई एक छोड़ो दो कह ले, वहां तक तो मैं सह सकता हूं। किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम साधे रहूं। बेटा जानते हो मैं तुम्हारी और तुम्हारी बातों की सदा से इज्जत करता आया हूं। तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते? स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सर पर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। ये सब मैं नहीं जानता दादाजी, आपके आशीर्वाद से मैं मूर्ख नहीं हूं। आप जानते मेरे ही समझाने बुझाने से इस गांव में कई घर संभल गए, टूटने बिखरने से बच गए। पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा के लिए मैं ईश्वर के दरबार में उत्तरदायी हूं उसके प्रति इस तरह का अन्याय और पशुवत व्यवहार मैं नहीं सह सकता। गनीमत समझिए कि मैं लाल बिहारी को इसके लिए कोई दंड नहीं दे रहा। ये फैसला करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। क्या? लाल बिहारी तुम्हारा भाई है श्रीकंठ, उससे जब भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन इस तरह? दादाजी लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। क्या? लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता? जी। तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो? लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता, अपनी पत्नी के रोने पीटे के कारण? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। राम राम बड़े ठाकुर। अरे वाह, आज तो श्रीकंठ भैया भी हैं। कर भला तो हो भला, सुबह सुबह चौपाल में कैसे आ गए बड़े भैया? आओ सफे साहब बैठो। दादाजी मैंने आपको सब कह दिया, अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। देखो बेटा मैं कोई तुमसे बाहर थोड़े हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है। हाँ जी बस मेरा फैसला हो गया दादाजी, मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। देखो बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वो बेसमझ लड़का है बेटा, उससे जो कुछ हुआ भूल हुई उसे तुम बड़े होने के नाते क्षमा कर दो। उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं। आपको अगर वही ज्यादा प्यारा है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपना भार अपने आप संभाल लूंगा। और अगर आप मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए
जहां चाहे चला जाए। बस यही मेरा अंतिम निश्चय है। सुनो सुनो श्रीकंठ सुनो। लगता है कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है बात। कर भला तो हो भला। क्या समझ आ गया है? जरा सी बात जो भैया इतने नाराज हो गए, मैं उनका कितना आदर करता हूं। पर भैया भौजी के कहने पर मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं। भैया मुझे कितना चाहते हैं। इलाहाबाद से जब भी आते थे मेरे लिए कुछ ना कुछ हमेशा लेकर आते थे। उस दिन अखाड़े में मेरे जीतने पर उन्होंने ही तो रुपए लुटाए थे। भैया मुझे अकेले में बुलाकर चाहे दो चार तमाचे भी लगा देते तो मैं चू नहीं करता। पर यह क्यों, यह क्यों? लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। मैं खुद ही चला जाऊंगा। भौजी भैया ने तय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वो मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं ही चला जाता हूं। उन्हें अब फिर कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं। आप मेरा कितना ध्यान रखती थी भौजी, हमेशा मुझे ताजा गरम खाना खिलाया, मेरी कितनी सेवा की। मुझसे जो अपराध हुआ हो सके तो उसके लिए क्षमा कर देना भौजी। नाक रगड़ कर माफी मांग रहा हूं। ये देखो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो भौजी। लल्ला जी सुनिए, सुनते हैं आप? लल्ला जी बाहर खड़े रो रहे हैं। रोने दो, मैं क्या करूं? अरे उन्हें भीतर बुलाओ। ओहो, ये मरी मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से ये झगड़ा उठा लिया, जाने कहां की बात कहां चली गई। सुनिए मैं आपके पांव पड़ती हूँ, बुला लीजिए ना उन्हें भीतर। मैं नहीं बुलाऊंगा। नहीं बुलाएंगे फिर पछताइएगा। सुनिए उन्हें उन्हें बहुत ग्लानि हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं चल दें और फिर बैठकर पछताते रहेंगे आप। मैं जानती हूँ सब मेरी गलती है। अपना झगड़ा हम देवर भौजाई को खुद ही निपटा लेना चाहिए था। हाँ, अब पता नहीं लल्ला जी का क्या हाल होगा। भौजी भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, उन्हें मेरा प्रणाम कह दो। हाय लल्ला जी, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते तो मैं भी उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लल्ला जी कहां जाते हो आप? मुझे जाने दो भौजी। अपनों को छोड़कर कहां जाओगे लल्ला जी? चला जाऊंगा कहीं भी जहां कोई मेरा मुंह न देखे। ना लल्ला जी, मैं नहीं जाने दूंगी। हाँ, मैं आप लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। ना लल्ला जी, तुम्हें मेरी सौगंध। हाँ, अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना, चला जाऊंगा। कैसे जाओगे? जब तक मुझे ये ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में पैर भी ना रखूंगा। भौजी, मैंने आपका मन बहुत दुखाया। भौजी नहीं लल्ला जी, नहीं, मैं
भगवान की कसम खाती हूँ लल्ला जी, तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। हाँ, तनिक भी मैल नहीं है लल्ला जी। लाल बिहारी सुनो, भीतर इतना भी रोता है कोई? पहलवान बना फिरता है और दिल इतना कमजोर। चला मेरे पास आ जा। भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवा आप जो भी दंड देंगे ना, मैं वो सब स्वीकार कर लूंगा। बस बस बस, इन बातों को बिल्कुल भूल जा। ईश्वर चाहेंगे तो फिर ऐसा अवसर हम कभी नहीं आएगा। हाँ लल्ला जी, हाँ। हो गया जो कुछ होना था, बस चुप चुप। लाल बिहारी श्रीखंड, अरे वाह, शाबाश मेरे बेटो, शाबाश मेरी बहू रानी, तू सचमुच बड़े घर की बेटी है। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम वही बना सकती हैं। हाँ, वही बना सकती है। बड़े घर की बेटी नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप कथा सम्राट प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पर आधारित ये नाटक सुन रहे थे। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्रीकंठ की भूमिका में राजेश काम्बोज, आनंदी सुनीता ठुकराल, लाल बिहारी राहुल दक्ष, दादाजी कीमती आनंद और सप्पू साहू की भूमिका में थे संजय वर्मा। नाट्य रूपांतरकार थे केसी वर्मा और विनोद कुमार। प्रस्तुति सहयोग किया था नितिन कुमार ने और निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले महीने के तीसरे रविवार को हम एक और नाटक के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।